हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे किचन में। और आज की जो मेरी रेसिपी है वो है माछेर झोल, रुई माछेर झोल, जो कि बंगाल के एक वन ऑफ द पॉपुलर डिशेस है, जो कि डेली बंगाल में घरों में पकाई जाती है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड कमेंट करें, थैंक यू। माछेर झोल बनाने के लिए ये हमने सारी इंग्रेडिएंट्स यूज किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम अपने फिश को फ्राई करेंगे। फिश को फ्राई करने के सबसे पहले हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे 1 कप। हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम करेंगे अपने फिश का मैरिनेशन। हमने लिया है करीब 1/2 किलो रोहू फिश लिया हमने, 1/2 kg स्वाद अनुसार नमक, और हम डालेंगे करीब 1/2 teaspoon हल्दी का पाउडर। इसको हम मिक्स कर लेंगे। और हम इसे करेंगे फ्राई। आप फिश बनाने के लिए हमेशा रोहू या कातला फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने रोहू फिश लिया है। अच्छी तरीके से फ्राई करनी है, क्रिस्पी फ्राई करनी है। फिश को अब हम पलटेंगे ताकि दूसरी तरफ से फ्राई हो जाए। बनाएंगे मसाला इसका। हम इसमें यूज करेंगे करीब 4 से 5 गार्लिक के क्लॉव, करीब छोटी सी अदरक 1/2 inch की, और हमने भिगा रखा है करीब 2 teaspoon धनिया सीड है, और 1/2 teaspoon है येलो मस्टर्ड सीड। गर्म पानी में भिगा रखे हैं हम। इसको बनाएंगे पेस्ट। हम इसमें पाउडर धनिया यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसमें फ्रेश धनिया को यूज़ कर रहे हैं। अब हम करेंगे, हमने एक मीडियम साइज का आलू ले रखा है, उसे हमने लंबा काट रखा है, हम इसे फ्राई करेंगे तेल में। इसी तेल में इसे भी हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे मेथी दाना करीब 1 inch। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना स्लाइस ऑनियन, ये 1/2 स्लाइस ऑनियन है। प्याज को हम ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हमें हल्का सा सौते करना है। ऐड करेंगे हम 1 pinch नमक, 1 medium size की प्याज को हमने प्यूरी कर रखा है, हम इसको इसमें डाल देंगे। हमारे पास एक टमाटो प्यूरी किया हुआ फ्रेश टमाटो की प्यूरी, वो भी हम डालेंगे। अब इसे हमें भूनना है जब तक कि ये मसाला पूरी तरह से पक नहीं जाता, इसके अंदर का जो पानी है वो सारा खत्म ना हो जाता। इसमें अदरक लहसुन और जो धनिया थी और मिर्च थी उसका हमने पेस्ट बना रखा है, हम उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे करीब 1/2 teaspoon नमक, इसमें ऐड करेंगे 1 pinch हल्दी का पाउडर, और हम इसमें ऐड करेंगे करीब 2 teaspoon लाल मिर्ची का पाउडर।
और हम इसको करेंगे भुनाई जब तक कि ये मसाला पूरी तरह से पक नहीं जाता, जबकि इसका पानी जो है सारा इसका पानी मसाले में ही सुखाना पड़ेगा जब तक कि तेल बाहर नहीं आएगा। हम इसको भूनते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना फ्राई किया हुआ आलू। इसको हम इसी में भून लेंगे ताकि जो हमारा आलू है वो पक जाए। पहले हमने 5-7 मिनट भुनाई किया था, अब हम इसका और भुनाई करेंगे करीब 4-5 मिनट। जैसे कि हमारे पास ये हरी मिर्च है 4 पीस, अब देख सकते हैं मसाला में ऊपर तेल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे करीब 1-1.5 कप पानी। मैंने पानी डाल रखा है, जैसे ही बॉइलिंग आना स्टार्ट होगा हम इसको थोड़ा स्लो करेंगे फ्लेम को, और हम इसे करीब 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा जो आलू है या मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाए। हमारा मसाला है ऑलमोस्ट 8-10 मिनट हो चुका है, तो पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना फिश, और फिश को ऐड करके हम 5-7 मिनट तक इसे स्लो फ्लेम में पकाएंगे, उसके बाद हम इसे करेंगे सर्व। अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे और 5-7 मिनट तक स्लो आंच में इसे पकाएंगे। हमारा जो फिश करी है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, अब हम इसका देख सकते हैं पूरी तरह से पक चुका है फिश करी। अब हम करेंगे गैस बर्नर को बंद, उसके बाद हम इसे करेंगे सर। इसमें डालेंगे चॉप धनिया और इसको करेंगे सर। हम डालेंगे थोड़ा सा चॉप धनिया गार्निश के लिए। तो हमारा जो माछेर झोल है वो हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल कलर आ चुका है इसमें। आप इसे राइस के साथ सर्व करें।